भाई ठंडाई बन रही है। ये करीब देखो करीब 150 150 ग्राम, 150 से 200 ग्राम बादाम होंगे। बड़ी कटोरी है ये खसखस है, और इसमें काली मिर्च है और छोटी इलायची जिसे हरी इलायची बोलते हैं उसके बीज हैं, करीब 7-8 इलायची के बीज है और 20 के आसपास काली मिर्च है, और ये थोड़ी सी सौंफ है करीब 1-1.5 चम्मच। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इकट्ठा कर ली है, और इसके अलावा गुलाब जल और डलेगा। तो अब इनका लगेगा रगड़ा, और ये है कुंडी सोटा। अब ये बाकी सारी चीज़ डाल ली है, खसखस, सौंफ, काली मिर्च, हरी इलायची के बीज, और अब इनको मैं रगड़ा मारूंगा कुंडी सोटे में। जब बिल्कुल एकदम बारीक पेस्ट बन जाएगा तो ये निकाल के फिर बादाम अलग से पीसूंगा, और वो बहुत देर पीसने पड़ेंगे, करीब 15-20 मिनट बादाम पीसने पड़ेंगे, तभी उनका अंदर का तेल एकदम बढ़िया तरीके से बाहर आएगा। करीब करीब 10 मिनट हो गए ये मसाला पीसते हुए, जो इलायची, काली मिर्च, खसखस वगैरह था, और एकदम बहुत बढ़िया इसका महीन पेस्ट बन गया ये देखो। ठीक है, अब इसको जैसे उंगली वैसे रगड़ो तो साफ, ये देखो ठीक है। सो अब मैं इसको अलग निकाल लूँगा, क्योंकि कुंडी छोटी है, इसमें इसके साथ ही मैं बादाम नहीं पीस सकता, इसको अलग से निकाल लूँगा और अब बादाम पे रगड़ा लगाऊंगा, और वो कम से कम 20 मिनट तो मिनिमम पीसूंगा। भाई बादाम रेडी हैं, बादाम पे रगड़ा लगना स्टार्ट हो गया है, इसमें टाइम लगेगा। ये अब पेस्ट बन गया है बादाम का, और जितने भी सूखे मसाले डाले थे लाइक सौंफ, इलायची, खसखस। अब इसके ये कॉटन का कपड़ा मैंने लिया है, रुमाल ले लिया है साफ, और इसको पहले एक बार पानी से निकाल लिया, साफ़ कर लिया। अब इसमें दूध डालता रहूँगा और अच्छे से छानता रहूँगा, लास्ट में सिर्फ वेस्ट बचेगा वो आप किसी जानवर को दे सकते हो। बादाम को पीने का यही सही तरीका है, बादाम कपड़े को पीने का। एक बार निचोड़ने के बाद फिर इसको ऐसे कर दो, ठीक है, क्योंकि अंदर गांठें बन जाती हैं बादाम और मसाले की, तो पूरा फिर से खुल जाएगा। अब मैं इसके ऊपर फिर से पानी डालूंगा और इसे निचोड़ दूंगा, ऐसे करके बनता है भाई बादाम, बादाम का ड्रिंक। करीब कम से कम हमने 10-12 बार दूध डाल दिया, इसे छान दिया है, तो अब इसमें जितना भी बादाम और मसालों का वो अर्क था पूरा निकल चुका है। अब ये देखो, ये दिखा तो इस तरीके से ये है, इनमें कुछ नहीं बचा है अभी। ये वो वेस्ट है, वेस्ट तो नहीं कहूँगा इसे, जो बादाम वगैरह बिल्कुल एकदम अच्छे से कम 12-13 बार मैंने छान लिए हैं, और ये मेरा ये मेरी ठंडाई रेडी है। और इसमें मैं देसी खांड डालूंगा दोस्तों, इसमें चीनी कभी ना डालें, अगर असली मज़ा लेना है इसकी तासीर ठंडी रखनी है, क्योंकि बादाम जब हम ऐसे लिक्विड बना के पीते हैं तो बहुत ठंडा होता है, और गर्मियों के लिए रामबाण है, आपकी लीवर के लिए, आपकी पित्त के लिए, हर चीज़ के लिए, और एनर्जी और ताकत जो देगा वो है ही है, तो बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, इसे घर में ज़रूर बनाएं, गर्मियों में तो एटलीस्ट महीने में 1-2 बार ज़रूर बनाएं। तो भाई ठंडाई है रेडी, इसकी तासीर एकदम ठंडी है। ठंडाई और इस बादाम रगड़े में फ़र्क ये है, इसमें 5 टाइम्स ज़्यादा बादाम डले हुए हैं, और जितने भी अपने देसी पहलवान, कबड्डी के प्लेयर हैं, सब ये पीते हैं। एनर्जी ड्रिंक, पावरफुल ड्रिंक, और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने वाला ड्रिंक, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार पियो, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होगी।